वीडियो शुरू हो इससे पहले ये बताऊंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखना, बड़ा अच्छा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वर्सेटाइल वी। कोरोना काल में लाख गड़बड़ के बीच एक चीज अच्छी हुई है, टीवी पर दूरदर्शन के पुराने एपिक सीरियल देखने को मिल रहे हैं। रामायण महाभारत ने तो एक बार फिर से लोगों को घंटों तक टीवी के आगे जोड़ दिया है। क्या आपको पता है कि रामायण ने 33 साल बाद भी टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? चलिए, अब रामायण का जिक्र चला है तो दारा सिंह के हनुमान बनने की कहानी आपसे शेयर करता हूं। बात 1986 की है। उन दिनों पहलवान दारा सिंह मर्द और कर्मा जैसी फिल्में खत्म करके अपनी बालकनी में रिलैक्स कर रहे थे। तभी उन्हें सपने में आया कि कोई उनसे कह रहा है, उठो वत्स, अभी तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं हुआ है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम जिम्मेदारी आने वाली है, तुम्हें एक बड़े युद्ध में भाग लेना है। तभी अचानक हॉल में रखे टेलीफोन की घंटी बजी और हड़बड़ी में आंख खोलते हुए वो खुद से कहते हैं, कैसा युद्ध, कौन सा युद्ध, कौन सी जिम्मेदारी? अब मैं 57 का हो चला हूं, अब क्या नई जिम्मेदारी आने वाली है? इधर फोन की घंटी लगातार बज रही थी। दारा सिंह जी लपक कर फोन उठाते हैं। दारा, मैं रामानंद सागर बोल रहा हूं, आप मेरे नए टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का रोल कर रहे हैं। यह सुनकर एक पल तो दारा सिंह सुन्न रह जाते हैं, क्योंकि सपना याद था। और रामानंद सागर ने कहा कि जब सीरियल में राम जी के परम भक्त हनुमान के रोल का विचार आया तो एकाएक मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी ओर गया। दारा हिचक कर बोले कि मैं तो 60 साल का होने वाला हूँ सागर साहब, रिटायरमेंट की उम्र में आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, आप किसी युवा अभिनेता को अवसर दीजिए ना। दारा, मेरी रामायण की कथा में सिर्फ आप ही हनुमान हो, सागर जी जोर देते हुए बोले। दारा सिंह रामानंद सागर की बात भला कैसे टाल सकते थे, पहलवानी के दिनों से ही दारा सिंह बजरंगबली के ईस्ट भक्त थे और 1976 में तो उन्होंने बजरंगबली, जय बजरंगबली एक फिल्म की थी। लेकिन रामानंद सागर की रामायण तो कुछ अलग इतिहास रचने वाली थी। फिल्मी करियर से ज्यादा ख्याति उन्हें इस रोल से मिली। दारा सिंह को बीआर चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जिस अर्जुन के रथ के सारथी केशव बने थे उस रथ पर स्वयं बजरंग बली भी विराजमान थे। उनके बेटे बिंदु के मुताबिक दारा सिंह जी ने उम्र के अंतिम पड़ाव पर रामायण ही देखी थी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखना, चलते चलते मेरे साथ आप भी दोहरा लो, पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। नमस्कार, शेयर करो।